देख रहे हैं कि परफेक्शन जहां मैं रुक रहा हूं वहां रुक जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने बनाया था मैनुअल बॉट और कराया था स्टंट, तो वो देख के तो आपको मजा ही आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा क्या बोल सकते हैं, आई बटन में जाकर देख लो कम से कम। तो इस वीडियो में मैं रिले मॉड्यूल यूज करने वाला हूं जिससे परफेक्शन लेवल तो काफी इंक्रीज हो जाती है। लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वॉचिंग टेक इकबाल। तो पिछले वीडियो में आपने जैसे देखा था कि मैंने डीपीडीटी स्विच से बनाया था, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं डीपीडीटी स्विच नहीं, पुश स्विच यूज कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीपीडीटी स्विच से भी बना करके दिखलाऊं तो नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी टॉपिक के ऊपर हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बनाने में मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। जितने भी कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जॉनसन का मॉडल यूज करें या फिर प्लास्टिक गियर मॉडल यूज करें, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं तो बोलूंगा जो स्विच बोर्ड मैं इसमें यूज कर रहा हूँ और जो पुश स्विच यूज कर रहा हूँ वो आप घर के सामने किसी इलेक्ट्रिक शॉप से ही परचेस कर ले, वो इजीली अवेलेबल होता है सारे इलेक्ट्रिक शॉप में, क्योंकि अगर आप अमेजोन से परचेस करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो अब हम लोग बॉट को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एल क्लैंप हम लोग ने फिक्स कर लिया जिसमें हम लोग मोटर फिक्स करेंगे स्क्रू के हेल्प से। तो अब इसमें मोटर फिक्स करते हैं। देख सकते हैं चारों मोटर हम लोग लगा लिए। अब ये दोनों मोटर को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे और ये दोनों मोटर को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे ताकि इधर का हम लोग अलग कंट्रोल कर सके, इधर का हम लोग अलग कंट्रोल कर सके। तो ये दोनों वायर को हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अब इस दोनों मोटर को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। और इस दोनों का भी हम लोग ने कनेक्शन कर लिया है, ये दोनों का एक साथ और इस दोनों का एक साथ कनेक्शन कर लिया। तो हम लोग का यहाँ पे चार वायर निकला है, तो चार वायर को अब हम लोग कनेक्ट करेंगे मोटर से और रिले से। तो इसको अब हम लोग मोटर और रिले कनेक्शन शुरू करते हैं। अब हम लोग इसमें सोल्डिंग कर देते हैं। ये हम लोग ने सोल्डिंग करके पूरा टेप लगा दिया है। ये हम लोग का यहां से चार वायर निकल गया है, ये चार वायर रिमोट में जाएगा। अब ये जो चार वायर यहां निकला था उसको हम लोग हर वायर को चार चार मीटर तक एक्सटेंड कर लेते हैं, जिसको हम लोग रिले में लेके जाएंगे, फिर रिले से रिमोट में कनेक्शन करेंगे। तो ये वायर थोड़ा लंबा होना चाहिए तो मैंने ये वायर चार मीटर तक इसको एक्सटेंड किया है। मैंने वायर को एक्सटेंड कर दिया है चारों वायर को। अब हम लोग रिमोट बनाएंगे। रिमोट बनाने के लिए हम लोग लेंगे स्विच बोर्ड और इसमें चार होल कर देंगे। देख सकते हैं मैंने चार होल कर दिया है और उसके बाद फिर हम लोग इसमें पुश स्विच फिक्स करेंगे। तो इसको पुश स्विच हम लोग फिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पुश स्विच स्विच बोर्ड में लगा दिया है। तो अब उसके बाद अब हम लोग सारे पुश स्विच के एक पिन को कॉमन कर लेंगे। तो ये पिन को हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं और इसको कॉमन कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हो मैंने सारे पुश स्विच के एक पिन को शॉर्ट कर लिया है और ये वायर को निकाल लिया है और ये जाने वाला है रिले में। तो पहले रिले का कनेक्शन हम लोग देखेंगे रिले में कैसे जाता है। अब हम लोग रिले का जो है वो उसको वायरिंग करेंगे। तो रिले में आप देख रहे हैं इस रिले का तीन पिन है, यहाँ पे ये पिन है NO, ये पिन है NC और बीच वाला है कॉमन।
तो ये जो कॉमन वाला है वो जाएगा मोटर में, और इस रिले में भी वैसे ही है, तीन पिन है NO, NC और कॉमन, इस रिले में वैसे ही है और इस रिले में भी वैसा ही है, ठीक है, NC, NO और कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चारों रिले का NC को कॉमन कर लेंगे शॉर्ट करके, और उससे एक वायर निकल जाएगा, और यहां पे NO को कॉमन कर लेंगे चारों रिले का, और उससे एक वायर निकल जाएगा। तो दो वायर जो हम लोग का निकलेगा वो हम लोग का जाएगा बैटरी में या बैटरी एलिमिनेटर में, और ये जो कॉमन वाला है वो जाएगा मोटर में। तो हम लोग का बॉड से चार वायर निकला था, तो लेफ्ट वाले मोटर का दो वायर ये दोनों में जाएगा, ये दोनों रिले में, इसका मिडिल में, और राइट वाले दो मोटर का वायर इस दोनों रिले में जाएगा, ये दोनों के मिडिल में। तो इसको हम लोग कनेक्शन करते हैं, पहले NO को शॉर्ट कर लेते हैं सारे रिले का, देख सकते हैं मैंने सारे NO को कॉमन कर लिया है और एक वायर निकाल लिया है। तो वैसे ही हम लोग सारे NC को भी कॉमन करके एक वायर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने NO को कॉमन करके एक वायर निकाल लिया है और NC को कॉमन करके एक वायर निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग कनेक्शन करेंगे इसके पिंस में, मीन्स ये जो पिंस है उससे हम लोग करेंगे कनेक्शन इसके स्विच में, जो पुश स्विच हम लोग लगाए हैं। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये है ग्राउंड, ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4 और ये है VCC। तो VCC और ग्राउंड जाएगा ये डायरेक्ट बैटरी में, लेकिन VCC को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे बैटरी में, और ये जो ग्राउंड है हम लोग का वो हम लोग जो स्विच निकाले हैं, ये जो हम लोग का स्विच है ये देख सकते हैं, ये चारों स्विच को कॉमन करके हम लोग जो निकाले थे, ये जो ग्राउंड वाला पिन है उसको हम लोग इस वायर में कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, ये जो हम लोग कॉमन करके स्विच से निकाले थे, तो ये वाला वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे ग्राउंड में। हम लोग लेंगे तीन फीमेल जम्पर वायर और ईयर वायर, और इसको हम लोग बीच से कट कर लेंगे, इसको हम लोग बीच से कट कर लेते हैं। अब हम लोग सारे जम्पर वायर को ये सारे पिन में हम लोग लगा देंगे। आप देख सकते हो ये जो ग्राउंड वाला पिन है, इससे जो हम लोग वायर निकाले हैं उसको हम लोग ये जो कॉमन किए थे इस वायर में हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इस वायर में पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्राउंड था उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है ये वाला वायर से स्विच का, जिसको हम लोग कॉमन किया था। और फिर यहाँ पे जो आपको IN1 IN2 दिख रहा है उसको हम लोग ये दोनों पिन से कनेक्ट करेंगे, ओके। और IN3 और IN4 दिख रहा है उसको हम लोग ये दोनों पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स इसको थोड़ा सा हम लोग लंबा करेंगे, इतना छोटा में तो नहीं होगा, इसको थोड़ा सा वायर को हम लोग एक्सटेंड करके IN1 और IN2 को इस दोनों में कनेक्ट करेंगे, और IN3 और IN4 को हम लोग इस दोनों में कनेक्ट करेंगे। IN1 और IN2 जो है वो इस दोनों रिले का, मतलब इस दोनों में जो हम लोग मोटर लगाएंगे वो कंट्रोल होगा, ठीक है। और IN3 और IN4 जो है वो इस दोनों रिले का है, इस दोनों में से जो हम लोग मोटर लगाएंगे वो दोनों कंट्रोल होगा। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कनेक्शन में, तो मैं सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ये देख सकते हैं मैंने स्विच से I1, I2, I3, I4 का कनेक्शन कर दिया है। और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम होगा ही क्योंकि इसमें बहुत सारा वायर को कनेक्ट करना है, तो आपके लिए मैंने सर्किट डायग्राम बना रखा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं ये जो VCC का वायर है ये कहां जाएगा, तो ये जो VCC का वायर है और एक जो ग्राउंड का वायर है जिसे मैंने सारे स्विच को शॉर्ट करके कनेक्ट किया है, ये इस दोनों से एक वायर निकलेगा, मतलब दो वायर निकलेगा, एक VCC और एक ग्राउंड से वायर इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, और ये जो है 9 वोल्ट के बैटरी में जाकर कनेक्ट होगा, जिससे हम लोग का जो रिले है वो ऑपरेट होगा। इसमें हम लोग को, जैसे अगर रिले वाला बॉट अगर हम लोग बनाते हैं, तो इसमें हम लोग को दो बैटरी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसमें हम लोग 9 वोल्ट वाला बैटरी का पावर सप्लाई लगाएंगे, और ये दोनों जो वायर हम लोग ने निकाला है यहां से कॉमन करके, इस दोनों में हम लोग जो बैटरी एलिमिनेटर था वो बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे, ये वाला बैटरी में हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो 9 वोल्ट वाला बैटरी आता है उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे ये ग्राउंड और VCC वाला वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग टेप से चिपका लेते हैं, नहीं तो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा, रिले भी उड़ सकता है। यहां से हम लोग कनेक्ट करके एक और वायर निकाल लेते हैं जो कि बैटरी में जाएगा हम लोग का 9 वोल्ट वाला, ये ग्राउंड वाला है। फिर यहां भी हम लोग टेप लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक टेप लगा देते हैं ताकि हम लोग का शॉर्ट सर्किट ना हो। तो देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रिक टेप सारे जगह लगा दिया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और इस वायर को भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये जो VCC का वायर,
तो ये दोनों जाएगा वायर हम लोग का 9 वोल्ट का बैटरी में। अब हम लोग बॉट को जो है उसको हम लोग रिले से कनेक्ट करेंगे। तो बॉट से हम लोग का 4 वायर निकला था, ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। तो ये लेफ्ट वाला जो वायर है इसके हम लोग दो जो यहाँ पे रिले है उसके मिडिल वाला जो पिन हम लोग का था उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे ये दोनों वायर जो लेफ्ट मोटर का है, और जो राइट मोटर का है उसमें हम लोग ये दोनों वायर कनेक्ट करेंगे। राइट मोटर का जो दो वायर है ये दोनों उसके ये मिडिल में हम लोग कनेक्ट करेंगे ये रिले के कॉमन में। तो इसमें और इसमें हम लोग का ये वायर कनेक्ट होगा और इसमें हम लोग का ये वायर कनेक्ट होगा। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बॉट से चारों वायर जो निकाला था बॉट का चारों वायर, तो ये इस दोनों पार्ट का वायर दो वायर इसको मैंने यहाँ पे कॉमन में कनेक्ट कर लिया, दोनों रिले के जो मिड पॉइंट था उसमें कनेक्ट कर लिया, और इधर दोनों का जो मोटर का जो वायर था उसको मैंने इस दोनों में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों वायर को मतलब ये दोनों वायर को इंटरचेंज करके कंट्रोल कर सकते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही ये दोनों वायर को इंटरचेंज करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि लेफ्ट मतलब इधर वाला से मेरा ये वाला मोटर कंट्रोल हो या इधर वाला से मेरा ये वाला मोटर कंट्रोल हो, तो आप ये दोनों वायर को इधर लगा दो, ये दोनों वायर को इधर लगा दो, तो आप उसका मोटर का रोटेशन जो है वो और जो साइड है वो कंट्रोल कर सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो सही कनेक्शन है वो यही है। हम लोग रिले को जो है वो बॉक्स में फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप यूज किया है रिले को फिक्स करने के लिए, तो आप यहाँ पे इसको डबल साइडेड टेप से रिले को फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग रिले के साथ ये वाला पिन कनेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग 9 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों यहाँ से जो दो वायर हम लोग निकाले थे ये वाला पिन से, जो ग्राउंड और VCC का जो दो वायर निकाले थे हम लोग ये दोनों वायर, तो इसमें हम लोग ये वाला कनेक्ट करेंगे जिससे हम लोग 9 वोल्ट का जो बैटरी है उसमें हम लोग कनेक्ट कर सके इसको। तो आपको याद रखना है जो ब्लैक वाला वायर है वो जाएगा ग्राउंड में और जो रेड वाला वायर है वो जाएगा VCC में। आपको ये कनेक्ट करने टाइम गलती नहीं करना है क्योंकि आपका रिले मॉड्यूल खराब हो सकता है। तो ब्लैक को ग्राउंड में और रेड को VCC में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इस पिन को। अब इस पिन को हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको 9 वोल्ट का बैटरी में। तो अब हम लोग सारे वायर को यहां से निकाल लेते हैं जितने भी वायर है, और अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया है और यहाँ पे बैटरी मैंने फिक्स कर लिया है क्योंकि ये तो मुझे रिमोट में ही चाहिए बैटरी, क्योंकि इसको मुझे आसानी से लगाना है। और ये दोनों जो वायर निकाला है हमने इसको ये जाएगा बैटरी एलिमिनेटर में। तो अब हम लोग का जो बॉट है और रिमोट है सब कुछ तैयार है, अब हम लोग इसको चला करके देखते हैं, चलाएंगे भी दौड़ाएंगे भी। चलिए चल। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा रिमोट और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और दो वायर जो यहाँ से निकला था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये 20 एम्पियर का है पावर सप्लाई, आप चाहे तो 5 एम्पियर 12 वोल्ट का SMPS यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। फिर यहाँ इसको मैंने कनेक्ट किया बोर्ड में और फिर यहाँ AC करंट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं बटन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कैसे डिस्क ब्रेक लग रहा है, देख सकते हैं जहां मैं रुक रहा हूँ वहां रुक जा रहा है। इसीलिए रिले वाला जो बॉट होता है वो थोड़ा ज्यादा परफेक्ट होता है। तो चला कर तो हम लोगों ने देख लिया, आप थोड़ा इसको दौड़ाते हैं करते हैं 12 वोल्ट पे। अब इसको देखते हैं इसकी स्पीड। देख रहे हैं कि परफेक्शन जहां मैं रुक रहा हूं वहां रुक जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही मजा आया होगा और आपने मैनुअल बॉट बना भी लिया होगा रिले मॉड्यूल को यूज करके के। और अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पे अपडेट करते रहता हूं कब कहां और कौन से कॉलेज में कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी रिले वाले मॉड्यूल से DPDD स्विच से बना करके दिखाऊं आपको मैनुअल बॉट, तो आप नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आए। और अगर आपको वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्किट डायग्राम का लिंक दे दिया, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है सर्किट डायग्राम में तो
और अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।